आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी शाम के नहीं बोलूँगी, रात के बज गए हैं 9:30 के करीब का टाइम हो गया है और मैंने बनाई है पत्ता गोभी मटर और एक आलू डाल के सब्जी। तो मैंने इधर मिर्ची कूट रखी है और टमाटर भी मैंने अपना पीस लिया है। तो जी ये है हमारा किरायादार, मम्मी से कुछ ऐसे ही अपनी बातें करने के लिए आया हुआ है। तो मैं भाई जैसे मेरे हाथ पे फ़ोन था तो ये भाई मेरे फ़ोन के अंदर आ गए, तो मैंने इनको काटा नहीं। तो मैं अपना काम करती करती घूम रही हूँ फ़ोन लेके हाथ में, और मेरे हाथ में वही फ़ोन चला था कि 9:30 हो गए, मैंने टाइम दिखाया आपको। इधर ये वाश उड़ा है हमारा, पता नहीं पैर में मच्छर लड़ गया, तो ये बोला मम्मी खुजली करो, और इसके सोने से पहले मैं इसको रोटी दे देती हूँ, क्योंकि भाई लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसके पापा हैं नहीं, वो गाँव में गए, आज हमारी सरसों निकल रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट सब्जी बना रही हूँ आज, ताकि भाई 7 बजे बना देती तो बिल्कुल यही सोच लो कि वो दिन की बनी लगती, क्योंकि लेट उठ के खाएंगे आज हम, तो इसलिए मैंने आज लेट खाना बनाया है। और मम्मी ने भी चक्की बंद की है अभी, तो अब हम सब खाना खाएंगे और इसके पापा का वेट करेंगे, क्योंकि भैया बहुत लेट हो जाता है गाँव में जाने के बाद, आते हैं तो 12-1 तो जब भी भाई बज ही जाते हैं, क्योंकि काम चला हुआ है खेतों का। तो जी इधर मेरी सब्जी बनने वाली है, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर जो मैंने पीस के रेडी कर रखे हैं, और फिर टमाटर पकने के बाद फिर मैं इसके पापा के लिए सब्जी अलग से निकाल दूँगी, और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्ची कूट के। तो जी फिर हम रोटी खा के फिर आपसे बाद में मिलूंगी मैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना हमारा आज, और फिर खा के सीए पापा का वेट करें क्योंकि वो गांव में खा के आएंगे आज। अबे कौन थे ये बताऊं तेरे को, अभी 2-4 मच्छर मार देते हैं। क्या मच्छर तो बहुत ज्यादा बोलता है, अभी तो कोई मच्छर नहीं है, फिर देखेंगे ना और फिर मच्छर लड़ेंगे क्या, मच्छर मच्छर मेरे को लड़ेंगे तो फिर तो जी देखिए बोरिंग 11 हो गया, अभी तो इसके पापा आएंगे लगभग, टाइम हो जाएगा 12:30 का टाइम होएगा, अभी तो चले भी नहीं, पता नहीं, फ़ोन करके पूछती हूँ। और ये वासुड़ा हमारा खेल रहा है गेम अपने छोटे वाले फ़ोन में। तो जी हमारा वासु भी अब फ़ोन वाला हो गया है, अगर किसी को कॉल करना हो तो हमारे वासु के पास फ़ोन कर लेना। देखिए इसने अपना अलग से फ़ोन मंगवा रखे हैं, तो ये अपने उसी फ़ोन में गुम रहता है। तो जी अभी वेट कर रहे हैं, अभी तो 11 बजने वाले हैं, अभी दिख नहीं रहा फोन में, शायद चल नहीं रहा। तो अभी मैं और वासु क्या करेंगे, अभी फ़ोन चलाएंगे और क्या करेंगे, लेटेंगे, इंतज़ार करेंगे, और मैं अपना दूध पी लूँगी। वासु ने पी लिया है अपना दूध। अच्छा अभी तो मैंने तेरा गिलास रख के आई हूँ, अभी दूध का झूठे देखो कैसा हाल मचा रखा, पूरा दिन खेलता रहता, कपड़े इतने गंदे कर रखे हैं, ये तो मैंने बदलने ही याद नहीं रहे। वासु तेरे कपड़े बहुत गंदे कर रखे हैं बेटा खेल खेल के। तो जी चलिए देखते कब तक आते हैं। तो बोल बोल क्या बोल, सुनता नहीं, सबको बता तू कौन सी भाषा बोल रहा है। आपका स्वागत है, ये बोल रहा है, सुन लो सारे, आपका स्वागत है। भाई खेत में गए हैं सरसों निकलवाने के लिए, तो अभी निकल गई सरसों। वासु चुप चुप चुप, या तो बोलेगा नहीं, फिर बोलेगा तो रुकेगा ही नहीं, क्या आदत है ये तेरे में।
हाँ जी, तो रात को तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और रात को भी एक ऐसी बात सुनने को मिली उससे बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो मैंने सुबह फिर मम्मी से बात शेयर करी अपनी, तो मम्मी ने मेरे को ही समझाया, मम्मी ने मेरे को ही बोला कि भाई कोई भी कुछ बोले, कोई किसी का सहारा नहीं बनता, किसी का सुन के ऐसे मत यानी कि तू हार कि कोई कुछ बोले भी, अपने काम से काम रखो। बस मम्मी को यही समझा रही थी कि जो कोई बोलता है उसको बोलने दो, इस काम से सुनो, इस काम से निकाल दो। तू काम करती है तो तेरे को देख के कोई खुश नहीं लगता, इसका मतलब तो ये है। तू अपने चैनल पे नेक नीति से करती रह और गलत कोई है नहीं, तो क्यों किसी को देख के ऐसे सुन के किसी की बात तो ऐसे मन को तोड़ के बैठ गई कि मैं अब अपना चैनल नहीं चलाऊंगी। कितने महीने हो गए तेरे को काम करते करते, किसी एक ने बोल दिया तो क्या उसके बोलने से बंद कर देगी? अभी YouTube खोल के देखो, सभी को बोलती हूँ YouTube खोल के देखो और ब्लॉगिंग चैनल देखो, कितनी बहुएं घर में बना रही हैं, काम कर रही हैं। मतलब कि देख के ऐसा हो जाए कि हम भी करें, हम भी बनाएं। अभी किसी एक ने बोल दिया तो उसने उससे मन मत तोड़ अपना। तो मम्मी ने मेरे को ये समझाया कि अपना काम करती रहें और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी अपने घर में कोई काम करता, हम थोड़ी किसी को बोलने जाते भाई तुम ये क्यों काम करते हो, तो कोई बोलता है बोलने दे, इस काम से निकालो, इससे निकाल कर दे। तो भैया आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या बंद कर दूँ मैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ क्योंकि शाम को मेरे को पता चला ना, तो शाम के बाद से मेरा मन बिल्कुल, रात को मेरे को अच्छे से नींद नहीं आई और सुबह उठते साथ वही जिक्र मैंने मम्मी के सामने किया, क्योंकि रात को लेट हो गया था। मम्मी से तो मैं क्या बताती, सो गई थी, तो मैंने सुबह उठते साथ मम्मी के साथ शेयर किया, मम्मी ऐसे ऐसे बात हो गई है, किसी ने बोला है। तो मम्मी ने बोला कि तू बोलने दे, ज़्यादा सोचने की समझने की जरूरत है नहीं, वही हम गलत थोड़ी करते हैं, जो बोलता है अपने लिए बोलता है, पता नहीं क्या क्या काम करते घर में, हम थोड़ी जाके देखते किसी घर में जाके किसने बोला है, हमें पता है, बोलने दे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जी बदिमा ख़राब, इससे आगे मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, अभी देखते हैं अभी मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा। आगे मैं यहाँ तक पहुँची, बहुत मैंने बहुत मेहनत से अपने सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, मैंने सबको पता है, मेरी शॉर्ट वीडियो जाके देखना मैंने कितनी मेहनत कर करके मैंने यहाँ तक आई हूँ। अभी पूरी पहुँची भी नहीं हूँ अपनी मंजिल पर, तो अभी से रुकावट आने स्टार्ट हो गई है मेरे को लगता है। तो देखते हैं भैया, अगर मेरा आगे से व्लॉगिंग चैनल, अगर मेरा आगे से कोई व्लॉग नहीं आएगा, एक दो दिन छोड़ के मैं बोल रही हूँ, तो सोचना कि भाई मैंने अपना चैनल बंद कर दिया है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे चालू रखना है या नहीं रखना है। तो जी ये देखिए वासु अभी सो के पूरा उठा नहीं है, तो ये अपना मस्ती कर रहा है, पीछे से मेरे पैर लगा रहा बार बार, क्योंकि उसको पता है छुट्टी है तो पूरी मस्ती में, अगर स्कूल में जाना होता तो ये पूरे रो के उठता, तो इसका यही है। और खुशी की छुट्टी आज की, और अब हमने ली है अपनी चाय, चाय पी ली है और दिन की शुरुआत हो चुकी है टेंशन के साथ। तो देखते हैं भाई टेंशन बनेगी या ख़त्म होगी या आगे तक चलेगी, ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो क्या कर सकती हूँ, अब मेरे से ऊपर और भी हैं, तो वो देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं मेरे ऊपर। तो यही सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रखी है भैया, क्या करें अब, ज़्यादा भी कोई बार बार बोलेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, फिर करने का कोई मज़ा भी नहीं रहता है, सब खुश होते हैं तभी चलता है कुछ। और भाई अब मैं तो यही बोलूँगी और को भी बोलूँगी, दूसरे घर में ताक झाक करना बंद कर दो, अपने घर से अपने काम से मतलब रखो, इसी में सबकी भलाई है। तो जी बस मेरे को यही बोलना था, यही पूछना था, बताना मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना कि भैया मुझे चैनल चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो अब मैं लगाऊंगी अपने कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि कल भी लगाई थी आज भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि भैया अभी मोटे छोटे कपड़े जो रह रहे हैं लास्ट में, अभी धूप निकलने लगी है ना, तो जो मेरे बच्चे हुए अब इनको मैंने धोना स्टार्ट कर दिया है, तो अब इनको धो धो के रखूंगी। और खुशी ने अपना भाई डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, इनकी सफाई कर देगी, मैं ऊपर जाके मशीन लगा दूँगी
और फिर झाड़ू पोछा होएगा और फिर खाना बनेगा। जोत बत्ती करनी है मेरे को नहा के, या खुशी करेगी, पूछती हूँ कौन करता है। तो मैं और मम्मी अपनी ऐसे ही बात कर रहे थे, तो भैया अभी वही बात है, सब आपस में बैठ के पता कैसी बातें कर रहे हो, तो वो सबके साथ शेयर करना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने म्यूट करके अपनी अलग से आवाज़ एडिट करी है, की है मैंने। तो यही बता रही हूँ, मुझ पर प्रेशर भाई थोड़ा सा है, तो देखती हूँ मैं आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ या बीच में वो लोग मैं बंद करती हूँ। तो जी अगर इच्छा हुई तो चलो जी फिर नेक्स्ट वाला व्लॉग मैं बनाऊंगी अपना, वो कंटिन्यू रखूंगी। तो जी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं पक्का नहीं बोल सकती, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, तो मम्मी मेरे को ऐसे कह रही, डाउन हो जा, बस ज़्यादा मत दिमाग पे ले और अपना काम नीति से करती रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करे भाई किसी को बुरा लगे देखने में, तो बिल्कुल नॉर्मली मेरा चैनल है, बिल्कुल नॉर्मली मैं अपना घर में जो काम करती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ कोई टेंशन मत लो कि मैंने अपने चैनल पे गलत बात मैं बोलूँगी नहीं, और प्लीज़ कोई टेंशन मत लो और मुझे भी मत दो। जो चलिए फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं अब अपना।